Good morning students, welcome to our channel Be Smart Education Point. So in this class we will discuss the question number 6 of this exercise 5.2 of the chapter AP. So for the previous questions and previous exercise, kindly check the links in the description box. So now what is the question here? Check whether -150 is a term of this AP. हमें चेक करना है, आपको एक AP given है. अगर एपी गिवन है तो उसमें से जस्ट हम अपना ए और डी फाइंड आउट कर सकते हैं, द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. ठीक है, हमें ये चेक करना है कि क्या ये जो -150 है वो इस एपी में कहीं आके जाके एक टर्म आएगी या नहीं आएगी. ओके, एक तो हम बता सकते हैं कि यस ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, आगे जाके माइनस में टर्म्स आएंगी, और हो सकता है कि कहीं पर जाके -150 आए. ठीक है, बट नॉट कन्फर्म्ड. तो कैसे चेक करेंगे? लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन. जस्ट एक क्राइटेरिया है बेटा, अगर जब आप फाइंड आउट करोगे, हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है कि क्या ये इसकी टर्म है या नहीं, तो हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स. अगर नंबर ऑफ टर्म्स में हम मान के चलते हैं कि ये कोई इसकी टर्म है, ठीक है, कोई nth टर्म है, तो अगर आगे जाके n मेरे पास कोई नेचुरल नंबर आ जाता है तो ये टर्म इसकी एक टर्म होगी इस AP की, अदरवाइज नॉट. कैसे, आइए देखते हैं. सॉल्यूशन में ए कितना गिवन है हमारे पास, 11. डी कितना है, ए टू माइनस ए वन, एट माइनस 11 इट इज -3. ओके, सो लेट कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि ये कोई टर्म है या नहीं, दैट्स व्हाई हम लेट कर रहे हैं. लेट ए एन इज इक्वल्स टू -150 बी द nth टर्म ऑफ द गिवन एपी. ठीक है, मान के चल रहे हैं, हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स जो हमें नहीं पता है. सो विच इम्प्लाइज ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. हमारे पास ए एन भी है, ए भी है, डी भी है. सो लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, ए एन इज -150, ए इज 11 एंड डोंट नो, डी इज -3. सो हेयर सिमिलरली, हेयर +11, वो इस साइड आके क्या हो जाएगा, -11 एंड -1 इंटू -3. जब इसको हम माइनस माइनस क्या करेंगे, प्लस, एंड इट विल गेट 161 एंड -1 इंटू -3. नाउ एन -1 के साथ जो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है -3, वो इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो मैं ये साइड लिख रही हूँ, -161 डिवाइडेड बाय -3, माइनस एंड माइनस कैंसिल, बट 161 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये हम एज इट इज लिखेंगे. ठीक है, अब n की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, n के साथ जो 1 है वो अभी भी माइनस हो रहा है, तो इक्वल के दूसरी साइड जाके वो क्या हो जाएगा, प्लस. सो बाय टेकिंग LCM वी विल गेट 164/3. अगर मैं चेक करूं डिविजिबिलिटी, तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है और मेरे पास एक मिक्स फ्रैक्शन आ रही है, दैट इज 54/2/3. क्या ये एन नेचुरल नंबर है, क्या ये नंबर ऑफ टर्म्स में से कोई टर्म हो सकती है या नहीं? ऑब्वियसली किसी भी एपी में 54/2/3 टर्म तो कहीं पे नहीं हो सकती, विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर, विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर. Therefore, or which implies, hence, -150 is not a term of given AP. Answer. ये चीज़ चेक करनी थी हमने कि क्या वो इसकी टर्म है या नहीं. ठीक है, वह 54/2/3. Obviously, because हमारे पास natural number नहीं आया, किसी भी एपी में या किसी भी एपी में हम अगर नंबर्स चेक कर रहे हैं तो वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइक हो सकते हैं, बट मिक्स फ्रैक्शन नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये किसी भी वे में कोई नंबर ऑफ टर्म नहीं बन रही है. दैट्स वाई जो हम लेट करके चले थे कि मान के चलते कि वो nth टर्म है, जब n ही नेचुरल नहीं आया तो ये टर्म कहाँ से हो सकती है, नॉट पॉसिबल. दैट्स वाई जो हमारा ये -150 था वो गिवन एपी की टर्म नहीं है. आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा स्टूडेंट्स. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.
Kindly share and like also. Subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.